जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, भगवान आपकी भी सुन सकते हैं यदि आप उन्हें सुनाना चाहें। यदि सच्ची चाह हो तो भगवान की दया से निरंतर नाम जप होना खूब आसानी से संभव है। इसलिए आप मन से श्री कृष्ण के आगे अपनी चाह प्रकट कीजिए, फिर देखिए भजन अवश्य होगा। मन में कुछ रखकर ही प्रायः लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान भी देखते हैं। अभी ठीक चाह हुई नहीं, चलो अभी टाल दूं। यदि हृदय की सारी शक्ति से भगवान के सामने कोई एक बार भी रोने लगे तो फिर भगवान उसी क्षण असंभव को भी संभव कर देते हैं। इसलिए आपसे भी प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि निरंतर नाम जप की सच्ची चाह लेकर आप श्री कृष्ण के सामने रोज नियमित रूप से प्रार्थना करें। जिस दिन प्रार्थना हृदय से होगी उसी क्षण से भजन होने लगेगा। श्री कृष्ण पर भरोसा करके मन से उनको कहिए, लिखिए, वे सबकी सुनते हैं और आपकी भी सुन सकते हैं यदि आप उन्हें सुनाना चाहें। देखें, मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि पग पग पर फिसलता रहा हूँ। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि देखें, मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि मैं पग पग पर फिसलता रहा हूँ और श्री राधा कृष्ण ने मुझे पग पग पर संभाला है। यदि वे न संभालते तो न जाने जीवन किधर बह जाता। यदि राधा कृष्ण ने मुझे बचाया संभाला है तो किसी को मैं क्या बचाऊँगा। बचाने वाले संभालने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। जगत में माया से पार हो जाना सचमुच बड़ा ही कठिन है। मेरी तो ऐसी ही दृढ़ धारणा है कि जिसे श्री राधा कृष्ण निकालेंगे वही माया से निकल सकता है। अपना पुरुषार्थ तनिक भी काम नहीं दे सकता। जिस समय विषयों का प्रलोभन आता है सारा विवेक निष्फल हो जाता है। एकमात्र श्री कृष्ण की कृपा ही मनुष्य की रक्षा करती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चिंता बिल्कुल छोड़ दें। जिस दिन श्री राधा कृष्ण चाहेंगे उस दिन ही मनुष्य विषयों से मुख मोड़ सकता है। एक बात और है, जिसने श्री कृष्ण की शरण ली है किसी ना किसी दिन श्री कृष्ण उसका उद्धार अवश्य ही करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।